Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject, okay? हम 6th standard का science subject start करेंगे. Lesson number 10, the habitat of the living. आज हम habitats, मतलब living जो है, वो लोग किस जगह, किस तरह के माहौल में रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, habitat के बारे में पढ़ेंगे. तो habitat क्या होता है? तो एक घर होता है एक organism का, ठीक है? देखो, habitat is a home for a organism. Maybe a plant के लिए हो सकता है, animals के लिए हो सकता है. Habitat is the place where an organism find comfort. ये ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम आराम से अपना comfort के हिसाब से रह सकते हैं. हमें सेफ्टी रहती है वहाँ पे, खाना, पानी, हवा, सब कुछ मौजूद होता है हमारे कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है? हमारे सुविधा के हिसाब से. देखो, हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म फाइंड कंफर्ट, सेफ्टी, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशंस फॉर ब्रीथिंग एंड सर्वाइवल. जहाँ पे हम अच्छे से रह सके, सांस ले सके, ठीक है, और देखो जी सके. सिंस द नीड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट. देखो, हर जन की क्या नीड्स अलग होती है ना, ज़रूरतें अलग अलग होती है. नेचुरली देयर हैबिटेट आर ऑल्सो डिफरेंट. तो उसके हिसाब से क्या उनका हैबिटेट अलग होगा. देखो, जैसे कि मछली है, तो मछली क्या फिश है, वो पानी में ही रह पाएगी, वो बाहर आएगी तो मर जाएगी ना, तो उसका हैबिटेट अलग है. और हम अगर हम पानी में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा हैबिटेट अलग है, ठीक है बच्चों? तो क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से अलग अलग हैबिटेट होते हैं. जिस तरह के कंडीशन में हम रह सकते हैं, उसी तरह के कंडीशन में हम रह पाएंगे, ठीक है बच्चों? सबका नेचर अलग होता है, सबका कंडीशन अलग होता है रहने का, सर्वाइव करने का, ठीक है बच्चों? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, ठीक है? देखो, सिंस द नीड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट. हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नीड्स होता है, तो नेचुरली हैबिटेट भी डिफरेंट होगा. हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू एन ऑर्गेनिज्म. देखो, हैबिटेट क्या होता है, वो सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें रिक्वायर होता है, विच इज़ नीडेड बाय इट. हैबिटेट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल फ्रॉम देयर एनिमी. हैबिटेट क्या करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करता है उनके दुश्मनों से, ठीक है बच्चों? तो क्या करता है हैबिटेट, प्रोवाइड करता है मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल्स को, अपनी एनिमीज से बचने के लिए, ठीक है, एनिमीज से बचने के लिए. एंड कंडीशन टू बेयर एंड सर्वाइव, और ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो लोग जी सके. इन अदर वर्ड, वी कैन से दैट हैबिटेट मीन्स द लिविंग और वर्किंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, हैबिटेट ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रह सकते हैं, जी सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, फ्रेश वाटर फिश कैन नॉट लिव इन सी वाटर एंड विंड्स वेयर. देखो, फ्रेश वाटर जो एकदम ताज़े पानी में रहते हैं फिश, वो सी वाटर में नहीं रह पाएंगे, वो वहाँ पे नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनका हैबिटेट कौन सा है बच्चा, फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर का फिश सी वाटर में रह पाएगा नहीं, ठीक है? तो अभी देखो, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. देखो, कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक अबायोटिक कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट्स हैं बच्चों, दो. कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक. चलो, अभी हम बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है, सब जीवित लोग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. जैसे कि एग्जांपल है, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सब लिविंग थिंग होता है. उसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बीइंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट्स. तो उसे और क्या कहा जा सकता है, लिविंग कंपोनेंट्स. अभी हम क्या देखेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे. अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग. देखो हमने बायोटिक में पढ़ा था ऑल लिविंग थिंग आते हैं, तो अबायोटिक में क्या होगा बच्चों, नॉन लिविंग थिंग होगा, है ना? अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है बच्चों, इंक्लूडिंग ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि सॉइल, वाटर, एटमोसफियर, सनलाइट, रेनफॉल, ये सब, ठीक है? अबायोटिक में क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग होता है. अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग. और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, लिविंग थिंग आते हैं, ठीक है? अबायोटिक में क्या होगा, जिसमें जान नहीं होती, वो सब चीज़ें, जैसे कि
हमारे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, सनलाइट हो गया और रेनफॉल हो गया, ये सब किस में आएंगे? अबायोटिक में आएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ हैबिटेट। अभी हम टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तीन तरह के हैं हैबिटेट इन अ बायोस्फीयर। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड है, लैंड हैबिटेट होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं जो वाटर हैबिटेट होते हैं, है ना बच्चों? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है, जो लैंड से रिलेटेड एनिमल होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, जो वाटर से रिलेटेड होते हैं वो उसमें रहते हैं। और एब्रियल हैबिटेट होते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं बच्चों। अभी देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ हैबिट्स ऑन लैंड। लाइक देखो ये क्या होता है, इसमें जो ऐसे लोग रहते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड पे, डेजर्ट पे, है ना, एंड माउंटेंस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज़मीन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे सब फॉरेस्ट में एनिमल रहते हैं उस तरह, फिर ग्रासलैंड पे, डेजर्ट, वो सब टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन, देखो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म वो जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे कि काउ है, हॉर्स है, लायन है, एलिफेंट है, कैमल है और टाइगर है, ये सब कौन से है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कौन से हैबिटेट होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल दिया है टाइगर का एलिफेंट का, है ना। अभी हम एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ेंगे। देखो पहले हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ा बच्चों, ठीक है, अभी हम एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूडिंग हैबिट इन ये वाटर में, जो पानी में रहते हैं उनका एग्जांपल होता है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशंस, ये सब। ठीक है, देखो पॉन्ड, लेक, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड ओशंस, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, लाइक जैसे कि फिश है, लोटस है, वाटर लिली है, वाटर चेस्टनट है ना, एंड वाटर हैबिटेट, ये सब वाटर से रिलेटेड होता है, जैसे कि फिश है, डक है, लोटस है, ये सब क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। अभी हम एरोरियल हैबिटेट पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इंक्लूडिंग हैबिट, जैसे कि ट्री पे रहते हैं, जैसे मंकी है, स्क्विरल है, वो कहाँ रहते हैं, ट्री पे रहते हैं, उन्हें कहा जाएगा, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन ट्री, लाइक मंकी एंड स्क्विरल्स आर एन एरोरियल एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बर्ड्स हैव, देखो बर्ड्स क्या है, बर्ड्स स्काई में रहते हैं और एयर, है ना, फॉर देयर एक्टिविटी, कुछ भी काम करने के लिए वो लोग कहाँ, हवा में जाते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टर्टल लिव बोथ, कुछ कुछ एनिमल दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग और टर्टल है, है ना, एंड ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, वो दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे कुछ कुछ एनिमल दोनों लैंड और वाटर पे भी रह सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग है, टर्टल है ना, वो सब क्या, दोनों जगह पे रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एफ्रिबल एंड दे एंड द हैबिट इज कॉल्ड एन एफ्रिबल हैबिटेट। देखो ये दो एग्जांपल दिया है। ठीक है, अभी देखो एडॉप्शंस इन टेरेस्ट, देखो एडॉप्शंस वो लोग कैसे एडॉप्शंस लेते हैं अपने हैबिटेट में वो बताते। पहला एग्जांपल दिया डेजर्ट का, इन डेजर्ट देयर इज एन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो देखो डेजर्ट में क्या होता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी होती है ना। इन डेजर्ट देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, और वहाँ का वातावरण कैसे होता है, गर्म और पूरा सूखा होता है। देयर इज अ शॉर्टेज रेन, देखो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम बारिश होती है, रेनी सीजन फॉलोड बाय अ लॉन्ग ड्राई सीजन। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अडॉप्टेड टू लिव इन दिस एनवायरमेंट, और कुछ कुछ जन ही वहाँ पे ले सकते हैं, है ना, कुछ कुछ ने ऐसा अपने आप को ढाल लिया कि वो कम पानी में भी वहाँ पे जी सकते हैं। टू कॉमन ऑर्गेनिज्म, देखो कौन से दो है, एक तो कैमल है वो वहाँ पे रह सकता है, और एक प्लांट में है कैक्टस है, वो वहाँ पे अच्छे से उग सकते हैं, है ना। तो लोग ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि वो कम पानी में भी जी सकते हैं, उस तरह के एटमॉस्फेयर में जी सकते हैं। लेट अस स्टडी द एडॉप्शंस इन टू दिस टू ऑर्गेनिज्म, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो टू एनिमल्स किस तरह से वहाँ पे रहते हैं। तो एडॉप्शंस इन कैमल ने किस हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लिया है वो देखते हैं, वो एटमॉस्फेयर में किस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया वो देखेंगे। कैमल इज द ओनली लार्ज एनिमल दैट सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन, कैमल एक ऐसा लौता एनिमल है जो वहाँ डेजर्ट रीजन में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, मतलब जी सकता है। ठीक है, कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो कैमल इज कॉल्ड शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को क्या कहा जाता है, शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा लौता एनिमल है जो डेजर्ट में आराम से जी सकता है और वो चल भी सकता है। इट इज अडॉप्टेड टू द डेजर्ट कंडीशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, और वो वहाँ पे अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लिया है, वो किस रीजन से वो भी बताया है। देखो
इट लिम्स कंटेक लार्ज पैम्स, उसके लार्ज पैम्स जो हॉट और स्लीपी मिट्टी में भी चल सकते हैं, है ना। द हम्प ऑफ अ कैमल इज रिसॉल, देखो उसके जो हम्प होते हैं उसमें इतना फैट होता है कि वो खाना भी स्टोर करके रख सकता है उसमें। और देखो इट ड्रिंक अ लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वान्टिटी ऑफ वाटर, वो क्या करता है एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है, तो वो अपने स्टोर करके रखता है और जब भी उसको चाहिए वो तभी वो यूज़ कर लेता है, वो अपने टिश्यूज मसल्स और वाटर सेल में स्टोर करके रखता है, तो ताकि उसको जब भी जरूरत हो वो यूज़ कर सकता है। तो एक साथ वो क्या करता है बच्चों, ज़्यादा पानी पी लेता है, जब भी उसको रिक्वायर हो वो यूज़ कर लेता है। इट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अबाउट 2 वीक, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा बिना पानी के भी जी सकता है। तो ये है ना, उसको अच्छा रहता है और उसको ज़्यादा यूरिन नहीं लगती है, उसको कम लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो डेजर्ट रीजन में अच्छा आसानी से जी सकता है, उसको उसने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है, ठीक है बच्चों। चलो, इट कैन एडजस्ट इट इंटरनल टेम्परेचर, वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग हवा के, अपने आसपास के हवा में, जैसा अपने आसपास का जो हवा होगा उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर सकता है, अपने बॉडी को टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो इतना उसको टेम्परेचर हाई नहीं लगता, वो अपने आप को मेंटेन रख सकता है वहाँ पे। फिर एडॉप्शन इन, पहले हमने क्या देखा कि कैमल खुद को वहाँ पे कैसे ढाल लिया, तो एक तो वो एक साथ ज़्यादा पानी पी लेता है तो वो अपने सेल्स में या फिर टिश्यूज़ में स्टोर करके रखता है, तो क्या वो बाद में यूज़ कर लेता है ना। और 2 हफ्ते से ज़्यादा बिना पानी के रह सकता है, और उसके हफ में वो फूड स्टोर करता है तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अपने आप को उसने, और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकता है ना, कम अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे, एडॉप्शन इन डेजर्ट प्लांट, प्लांट के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे कौन सा प्लांट ज़्यादा है। तो देखो, द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वेरी पुअर वाटर कंडीशन सच एज इन डेजर्ट आर कॉल्ड एस्ट्रोफी। द प्लांट्स लाइक कैक्टस है और ट्री है आर एडॉप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो वो क्या हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में उग सकते हैं ऑफ डेजर्ट में। कैक्टी प्लांट्स कैन स्टोर इट, देखो कैक्टी प्लांट है ना अपने स्टेम में सब स्टोर करते हैं, दिस आर कॉल्ड सबस्टल प्लांट्स, ठीक है। वो इस तरह से उसमें ज़्यादा लीव्स नहीं होती तो उसको ज़्यादा पानी की रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। द डेजर्ट प्लांट ऑल्सो शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टू सर्वाइव इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। देखो डेजर्ट प्लांट के कैसे होते हैं वो नीचे बताया गया, पॉइंट्स में बताया गया कि वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में किस तरह से रह सकते हैं। तो देखो, लीव्स आर एंटायर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल, देखो उनके लीव्स कैसे होंगे, एकदम छोटे होंगे या फिर रिड्यूस टू स्पिन, दिस हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो इससे क्या होगा पानी कम हो, पानी की ज़रूरत कम होगी, पानी का वेस्टेज कम होगा, देखो लॉस कम होगा। द लीव स्प्रेड, देखो उसका लीव्स क्या होता है, स्टमक रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रंक, वो रिड्यूस करता है रेट को उसका थिकनेस की वजह से। फिर लीव्स ऑफ, देखो इसका लीव्स वो होता है लूज ऑफ वाटर का, देखो ये कैक्टस का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ मॉइस्चर रीजन, अभी माउंटेन, सॉरी हम क्या देखेंगे, एडॉप्शन ऑफ माउंटेनस रीजन, क्या देखेंगे बच्चों, एडॉप्शन ऑफ माउंटेनस region, in this area temperature is very low and cool wind blow throughout the year. इस region में क्या होता है बच्चों, wind एकदम cool होता है, एकदम ठंडा होता है और पूरे साल वैसा ही होता है, ठीक है। mountains आर नॉर्मली कवर्ड विथ स्नो इन विंटर, और ये माउंटेन कैसे होते हैं, हमें नॉर्मली बर्फ़ से ढका हुआ होता है विंटर में। यहाँ के प्लांट्स का देखेंगे, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, माउंटेनस रीजन के बारे में, वहाँ पे एडॉप्शन कैसा है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे कैसे, किस तरह से ढालते हैं सब लोग, तो माउंटेन्स रीजन में कैसे ठंडी हवा होती है और विंटर में पूरे साल, विंटर सीजन में पूरा बर्फ होता है वहाँ पे। अभी प्लांट्स के बारे में देखेंगे, द ट्रीज आर मोस्टली कॉन शेप, तो उनका ट्रीज कहते हैं कॉन शेप का होता है, कॉन देखा होगा ना आइसक्रीम का, उस तरह के शेप का होता है। द स्लोपी ब्रांचेस द लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर, और उनके कुछ कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ झाड़ के लीव्स ऐसे होते हैं पॉइंटेड टाइप के होते हैं, ये देखो पाइन और ड्रोल का आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ठीक है। लाइक दिस हेल्प, देखो दिस हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो टू शेयर ऑफ इजीली, तो ये क्या करता है मदद कि बारिश का पानी आसानी से जाए, ठीक है। अभी देखो ब्रॉड ट्रीज गेट लेस सनलाइट, और ब्रॉड ट्रीज होते हैं उनको कम सनलाइट गिरती है, देयरफॉर कंज्यूम लेस एनर्जी, तो उसमें लेस एनर्जी लगता है। सम प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू ग्रो अंडर अ लेयर ऑफ स्नो, और तो उससे क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्नो के अंदर भी उगते हैं, स्नो के लेयर के अंदर भी उगते हैं। एनिमल्स, अभी एनिमल्स देखेंगे, पोलार बेयर के बारे में, याक, माउंटेन
गोट आर कॉमनली फाउंड इन दिस एरिया. तो इधर कौन से एनिमल्स मिलते हैं बच्चों? तो देखो, पोलार बेयर है, याक है, माउंटेन्स गोट है, ये कॉमनली वहाँ पे फाइंड किए जाते हैं. दे शो द फॉलोइंग, देखो वो लोग कौन से एक्टिव फीचर्स बताते वो भी दिखाया गया है. द एनिमल्स इन दिस रीजन आर यूजुअली, देखो, वाइट होते हैं, लाइट कलर्ड होते हैं. दिस हेल्प देम टू कॉन्फ्रोगेट विद द सराउंडिंग, तो ये उनको हेल्प करते हैं अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से घुल मिलने के लिए. दिस, ठीक है, दे हैव थिक स्किन, उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी मोटी होती है, फर होता है, तो उनको ठंडी से वो प्रोटेक्ट करता है. दे हैव थिक स्किन एंड और फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. देखो तो उनका फर, देखो इनकी स्किन और फर ऐसा होता है कि वो उनको कोल्ड से बचा के रखता है. या थिंक कोल्ड और अ फर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, तो उसके जो फर होते हैं, कोट होते हैं, वो उनको ठंडी से बचाते हैं. व्हेन द ग्रो इट कवर्ड विद स्नो, जैसे ही वो ग्रो होते हैं, देखो, व्हेन द ग्राउंड इज ग्राउंड, जो उन जो जहाँ वो रहते हैं उनका आसपास का वातावरण कैसे कवर होता है, स्नो से कवर होता है ना, तो क्या या क्यूज, तो वो लोग क्या करते हैं वो दिखा है आइस पे, फिर ऑन द ब्रिल ग्रासेस पे कैसे है. देखो ये सब एनिमल्स कहाँ माउंटेन रीजन में अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है. स्नो लेपर्ड हैज़ अ थिक लेयर ऑफ अ फर, स्नो लेपर्ड की पौड़ी में क्या होता है, थिक लेयर होता है फर का, जो उसके टोफी टोज सब में होता है, जो उनको ठंडी से बचाता है. इन पोलार बेयर देर इज अ थिक लेयर ऑफ अ फर ऑन द बॉडी एंड लेयर ऑफ फैट. देखो पोलार बेयर में क्या होता है, उनके बॉडी पे पूरा फर होता है, बाल बाल वाले होते हैं, है ना, तो उससे क्या उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, वो वहाँ पे उस हिसाब से रह सकते हैं. और उनके स्किन में फैट ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वहाँ पे ठंडी रीजन में आराम से रह सकते हैं. स्किन विच प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम कूल, तो क्या होता है, ज़्यादा फैट होने की वजह से उनको ठंडी ज़्यादा नहीं लगती, उनको ठंडी से बचाते हैं. पांडास फीट, देखो, फिर फील हेल्प इन अ वॉक ऑन स्नो, और उनके जो पैडल फीट है, पैडल फील्ड, उनको स्नो पे चलने में मदद करते हैं. द माउंटेन्स गोट, अभी माउंटेन्स देखो, पहले बच्चों हमने किसके किसके बारे में देखा, स्नो लेपर्ड के बारे में देखा. स्नो लेपर्ड में क्या होता है, फर होता है जो उनके बॉडी को कवर करता है और ठंडी से बचाता है. फिर पोलार बेयर के बारे में देखा, उनके थिक लेयर ऑफ फर होता है जिसके वजह से वो बचते हैं ठंडी से, और उनके बॉडी में फैट होता है जो उन्हें गर्म रखते हैं और ठंडी से बचाते हैं. अभी हम लोग माउंटेन्स गोट के बारे में पढ़ेंगे. द माउंटेन गोट हैज द स्टोर होल, तो वो क्या होता है, एकदम हेल्प कर, उनके ऐसी बॉडी होती है कि वो रन फास्ट कर सकते हैं एकदम रॉकेट की स्पीड पे, ठीक है. अभी देखो, मैनी एनिमल्स लाइक बेयर और बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया, वो क्या करते हैं, दे गो टू स्लीप फॉर एंटायर विंटर, तो वो क्या करते हैं, एंटायर विंटर, पूरे विंटर में वो सो जाते हैं. बर्ड सच एज स्पॉलो, स्पॉलो बर्ड है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं गर्म जगह पे, जब भी वहाँ पे ठंडी स्टार्ट हो जाती है तो वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते हैं. माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना. पिजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिविंग इन अ पोलर रीजन, और पिजन पेंगुइन है ना, पेंगुइन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव इन अ पोलर रीजन, पेंगुइन वहाँ पे रह सकते हैं आराम से. पेंगुइन ने इस तरह से, मतलब वहाँ पे रह सकते हैं, वो लोग ने उस तरह से अडॉप्शन कर लिया, खुद को उस तरह से ढाल लिया. तो देखो, पेंगुइन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव इन अ पोलर रीजन, दे आर फेदर, तो उनका कैसे, उनकी स्किन ऐसी है, उनके फेदर्स ऐसे है कि वो उन्हें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, और वहाँ पे वो उस हिसाब से रह सकते हैं, ठीक है. कौन, पेंगुइन्स, ठीक है बच्चों. दे ऑल्सो स्टे इन अ ग्रुप, वो लोग क्या ग्रुप्स में रहते हैं, कीप देमसेल्फ वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए. अभी देखो क्या क्या, अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, एडॉप्शन ऑफ ग्रासलैंड, क्या देखेंगे बच्चों, एडॉप्शन ऑफ ग्रासलैंड. अभी हमने थोड़ा क्या देखा था, पहले हमने माउंटेनस रीजन का पढ़ा था, उनके एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, अभी हम एडॉप्शन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे. द ग्रासलैंड कवर नियरली 1/4 ऑफ द टोटल अर्थ लैंड, देखो 1/4 एरिया है हमारा ग्रासलैंड से ढका हुआ है, ठीक है, अर्थ का. दे आर द एरियाज विद द टॉल ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे लंबे लंबे ग्रासेस है, घास है, और छोटे थोड़े से ही ट्रीज है. प्लांट्स, द प्लांट्स हैव स्टोर रूट्स, उसके रूट्स, देखो प्लांट्स के बारे में पहले बताया गया है. द प्लांट्स हैव स्ट्रांग रूट, उनके रूट्स कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रिवेंट विंड, वो विंड को प्रिंट से बचते हैं ताकि वो अपरूटेड ना हो जाए, मतलब टूटे ना, ठीक है. प्लांट्स हैव नैरो एंड थिनी
leaves to reduce water loss. Plants have narrow or thin, देखो उनके कैसे narrow या फिर एकदम छोटे छोटे tiny tiny leaves होते हैं जिससे reduce हो water loss. ठीक है, देखो ऐसे होते हैं. grassland का बताया, roots of some plants extreme deep in, देखो कुछ कुछ roots कैसे होते हैं, एकदम गहराई में होते हैं. ठीक है, deep in the soil to absorb the as much as water possible, तो इतना जितना पानी वो ले सके उतना वो ले सकते हैं. ठीक है, जितना पॉसिबल होता है उनसे उतना. दिस ऑल्सो प्रिवेंट ग्रीजिंग एनिमल्स फ्रॉम द, देखो ये ग्रीजिंग, दिस ऑल्सो प्रिवेंट ग्रीजिंग एनिमल फ्रॉम पुटिंग द रूट आउट, तो इससे क्या होता है एनिमल्स पूरा 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 चर नहीं जाते क्योंकि रूट्स एकदम अंदर तक होते हैं जिससे वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और वापस उग भी जाता है ना. चलो अभी एनिमल्स के बारे में, पहले हमने प्लांट्स के बारे में देखा बच्चों. तो प्लांट्स का कैसे होता है, वहाँ पे अच्छे से बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं, ज़्यादातर ग्रासेस उगते हैं, है ना, और उनके रूट्स कैसे होते हैं एकदम डीप सॉइल के एकदम अंदर होते, तो उनको जितना पानी मिल सके वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, फिर पॉसिबल दिस ऑल्सो, फिर उससे ग्रीजिंग यानी पूरा चरने से रुक जाता है, मतलब पूरे एनिमल्स वो पूरा नहीं खा लेते हैं. फिर देखो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. द एनिमल्स सच एज, जैसे कि जेबरा है, चीता है, डियर है, ये सब एनिमल्स के बारे में. लायन आर कॉमनली फाउंड हियर, कौन से एनिमल्स बच्चों, जेबरा, चीता, डियर और लायन, ये कॉमनली वहाँ पे मिलते हैं. द एनिमल्स लो फॉलोइंग, ये देखो ये जो एनिमल्स दिखाए हैं वो क्या उनके फीचर्स के बारे में बताया है. एडॉप्शन इन हैबिटेट, देखो एनिमल्स हैव द फॉलोइंग एडॉप्शंस, दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, उनके टीथ कैसे होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर च्यूइंग एंड कटिंग हार्ड ग्रासेस, उनके टीथ ऐसे, यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनके टीथ कैसे होते एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, तो वो लोग अच्छे से च्यू कर सके एकदम हार्ड ग्रासेस को. देयर ईयर आर लॉन्ग टू डील द मोमेंट ऑफ द, देखो वो लोग है ना इसके कान इतने बड़े होते हैं तो वो मूवमेंट्स को वो लोग देख सुन पाते अच्छे से. दे हैव लॉन्ग लेग, उनके पैर कैसे होते हैं बड़े बड़े होते तो अच्छे से फास्ट भाग सके और अपने दुश्मनों से बच सके. दे हैव आइज ऑन द साइड, उनकी आँख कैसे होती है साइड में होती है तो क्या पूरे आसपास में देख सके, पूरे डायरेक्शन में देख सके और खुद को अपने दुश्मनों से बचा सके. तो वहाँ के एनिमल कैसे होते हैं, उनके पहले तो क्या होते हैं उनके दांत एकदम स्ट्रांग होते तो क्या कुछ भी च्यू कर सके काट सके, है ना, एकदम हार्ड ग्रासेस को. और उनके कान कैसे होते एकदम बड़े होते तो पूरे सुन सके और उनके पैर एकदम बड़े होते तो अपने दुश्मनों से वो बच सके, है ना, और उनकी आंखें साइड में होती है ताकि वो पूरा पूरे डायरेक्शन में देख सके. अभी एडॉप्शंस ऑफ कार्निवरस का देखेंगे, किसका देखेंगे बच्चों, कार्निवरस का. एनिमल्स दैट प्रे अपॉन हर्बीवरस आर कॉल्ड कार्निवरस, जो हर्बीवरस को खाता है उसे कार्निवरस कहते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, हेना है, ये सब क्या होते हैं कार्निवरस. कार्निवरस क्या होता है बच्चों, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, कार्निवरस क्या होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, फाउंड इन ग्रासलैंड, दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्शन, तो लोग में कौन से एडॉप्शन होते हैं वो देखेंगे. दे हैव शार्प क्लॉज टू च्यू एंड होल्ड द ट्री द बॉडी ऑन देयर पैरी, तो देखो उनके हाथ वाथ सब एकदम स्ट्रांग होते तो एकदम अपने पैरी यानी अपने खाने को एकदम अच्छे से पकड़ ले दबोच सके. देयर स्किन इज लाइट ब्राउन इन कलर, उनकी स्किन कैसी होती है लाइट ब्राउन कलर की होती है. दिस हेल्प देम टू हाइड आउट, तो उनको छुपने के लिए मदद करता है, कहीं भी फटाफट छुपने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है. देयर आइज आर इन फ्रंट विच हेल्प देम इन लोकेटिंग द पैरी, तो उनकी आँखें कैसे होती है सामने होती है ताकि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ पाए. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीव विच हेल्प देम टू ट्रीरिंग द फ्लैश, उनके चीव कैसे होते एकदम स्ट्रांग होते जो अपने शिकार को अच्छे से चबा सके. ठीक है, अभी देखो एडॉप्शंस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, क्या देखेंगे बच्चे, एडॉप्शंस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर, देखो बहुत सारे एनिमल्स पानी में भी पाए जाते हैं. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेट अस स्टडी देयर एडॉप्टिव फीचर्स, जैसे कि प्लांट्स, पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक कंडीशंस आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोफिस. ठीक है, हाइड्रोफिस आर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, एक तो फ्लोटिंग होते हैं,
फ्लोटिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फ्लोटिंग प्लान, प्लान लाइक स्टिल वाटर हिस्ट्री लिमा फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस, ये एकदम फ्रीली सरफेस पानी के सरफेस में तैरते हैं, दे आर स्लोपी एंड स्लो लीव्स एंड स्टीम, उनके एकदम स्लोपी होता है, एकदम स्लोपी टाइप का। फिर देखो सबमिट प्लांट, प्लांट्स लाइक हैवी विंग्स एक्सेट्रा बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, मेन अंडर द वाटर, ये पानी के अंदर होते हैं रूट्स, ठीक है, और मडी होते हैं, दे आर नैरो लीव्स, वो नैरो लीव्स होते हैं उनके स्टम विथ नो स्टमक। अभी देखो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट, ये क्या देखेंगे बच्चों फिक्स फ्लोटिंग प्लांट के बारे में, प्लांट्स लाइक जैसे कि लोटस है, ट्रिपा है, आर अटैच टू द सॉइल, वो क्या सॉइल से अटैच होते हैं, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एंड रेस्ट ऑफ देयर पार्ट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, वो क्या होता है उनका जो रूट होता है वो एकदम जमीन पॉन्ड के एकदम से पॉन्ड में जमीन में दसा हुआ होता है और उनका पूरा बॉडी पार्ट ऊपर होता है वो पानी में फ्लोट करता रहता है, दे हैव लॉन्ग एंड होली स्टेम, वो कैसे उनका स्टेम कैसे होता है एकदम लंबा होता है, होली स्टेम होता है, देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड उनके लीव कैसे होते हैं एकदम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। देखो वाटर है, वाटर ये एग्जाम्पल दिया है वाटर फ्लावर्स का, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स का, डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ, देखो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि देखो किस वजह से, ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की वजह से, द रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, ये उनके सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, दोस्त दे आर एंटर प्रॉपरली, देखो वो पुअरली डेवलप प्रेजेंट, उनको ज़्यादा पानी की कमी नहीं होती क्योंकि वो पानी में ही उगते हैं ना बच्चों। फिर हम क्या देखेंगे आगे, फिश है, सबके बारे में पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स का कंप्लीट करते हैं, प्लांट्स दैट लिव इन फ्लोटिंग वाटर हैव लॉन्ग नैरो स्लोपी फ्लेक्सिबल स्टेम, देखो जो पानी में उगते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं बड़े होते हैं और फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, देखो दिस प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम कैरिंग अवे बाय द विथ वाटर, तो ये पानी के साथ बह नहीं जाते क्योंकि उनके स्टेम लॉन्ग होते हैं और रूट्स जमीन से लगे हुए होते तो वो पानी के साथ आसानी से नहीं बहते हैं, दे हैव होली स्टेम, उनका स्टेम कैसा होता है खड्डे वाला होता है विद एयर, उसके थ्रू एयर पास होता है, ठीक है, लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक जैसे कि लोटस है वो वाटर लिली है और लाज वो उनके पत्ते कैसे एकदम बड़े बड़े होते हैं वैक्सी होते हैं वैक्सी कोटिंग यानी मोमबत थोड़ा सा चिकनाहट होती है उसके पत्तों में, ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे एनिमल्स के बारे में, पहले हमने प्लांट्स के बारे में देखा फिर एक्वेटिक एनिमल्स देखा ना, अभी हम क्या देखेंगे, पहले हमने क्या देखा बच्चों प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स किस तरह से हैं कौन से टाइप के हैं, अभी हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एनिमल्स इन फिश बॉडी शेप इस, देखो उनका बॉडी का शेप ही इस तरह से होता है कि वो अच्छे से वहाँ पे रह सकते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनके फीचर्स हेल्प करते हैं, जैसे कि गिल्स आर प्रेजेंट विद द हेल्प विच हेल्प द फिश टू ब्रीथ अंडर द वाटर, देखो वो लोग गिल्स के वजह से सांस ले पाते हैं पानी के अंदर, है ना, कौन फिश। अभी फ्रॉग का देखेंगे विच लिव इन बोथ, फ्रॉग क्या होता है दोनों जगह पे रहता है पानी में भी और जमीन पे भी, द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट, उनके अंदर कौन से फीचर्स होते थे, वेब फीट, उनकी फीट के वजह पैर के वजह से वो तैर सकते हैं, लंग के वजह से वो पानी में ज़मीन पे भी सांस ले सकते हैं, है ना, लंग्स की वजह से क्या कर सकते हैं बच्चों वो ज़मीन पे सांस ले सकते हैं, और उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो चिकनी स्किन होती है ना उसके वजह से वो उसके मदद से वो पानी में सांस ले पाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हिट लैग की वजह से हेल्प करता है उसको लिम अपने पैरिस यानी खाना पकड़ने के लिए, ठीक है बच्चों, ये देखो फ्रॉग का ड्राइंग देख रहे हो, वेरी गुड। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम डॉल्फिन और वेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, डॉल्फिन और वेल डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन और वेल के पास गिल्स नहीं होते, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोजल, वो आते हैं और हवा में सांस लेने के लिए आते हैं नोजल या फिर ब्लो होल के थ्रू वो अपना सांस लेते हैं, अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे कम नियर टू द सरफेस ऑफ वाटर, और ये क्या जब भी वो सरफेस पे आते हैं तभी उनको सांस लेने में मदद करते हैं, एडॉप्शन टू द ओशन, ओशन में किस तरह से एडॉप्शन किया वो बताएंगे, मरीन देखो एनिमल्स लाइक फिश स्क्विरल ये ऑक्टोपस डॉल्फिन व्हेल एक्सेट्रा लिव इन सी एंड ओशन, मोस्ट सी एनिमल हैव स्टेबल बॉडी, उनकी बॉडी इस तरह से होती है कि वो सी वाटर सी या फिर ओशन के वाटर में रह सकते हैं, जैसे कि फिश है व्हेल
वेल है, डॉल्फिन है, ये सब उसकी उनकी बॉडी उस तरह से हो गई कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। सम सी एनिमल्स सच एज जैसे कि स्क्विड्स है, ये ऑक्टोपस है, डू नॉट सिंबल बॉडी। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर देयर बॉडी एक्वायर्ड, तो जैसे जैसे वो पानी में मूव होते हैं उनकी शेप्स चेंज होती है। दे स्टे डीपर इन ओशन नियर द सी बेड, तो वो लोग कहाँ रहते हैं, ओशन के अंदर सी बेड के पास। अभी देखेंगे एडॉप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव टॉल ग्रीन एवरग्रीन ट्रीज। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे होते हैं, उनके पत्ते एकदम बड़े बड़े होते हैं। दे लिव्स फ्रॉम अ डिस कैंट्रिल विच प्रिवेंट, देखो वो लोग सनलाइट लेते हैं, रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। वो लोग क्या, देखो उनके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो सनलाइट को फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोकते हैं। ड्यू टू द एक्सट्रीम रेन ट्रीज गेट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, तो वहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है तो उसके वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और ट्रीज़ को प्लांट्स अच्छे से उग सकते हैं। प्लांट्स लाइक ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो देयर फॉलोइंग एडॉप्शन, देखो उनपे कौन से एडॉप्शन होते हैं तो वो देखेंगे। द लीव्स ऑफ ट्रीज आर लार्ज, इनके पत्ते क्या होते हैं एकदम बड़े बड़े होते हैं और उनके शेप्स अच्छे होते हैं। दे आर कॉल्ड ड्रीपर, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, ड्रीपर कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टिप्स, द ड्रिप्स अलाउ द रेन ड्रॉप टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स, वो देखो ट्रिप्स होते हैं उनके मदद से क्या होता है जो पानी उसमें बचा होता है वो टिप करके गिर जाता है। दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम रूटिंग, तो इसके वजह से क्या होता है लीव्स से कभी सूखते नहीं, उनको बचा लेते हैं सूखने से क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी रहता है ना, ठीक है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लाइट, वहाँ पे लाइट नहीं होता है इतना वहाँ पे, तो क्या होता है द वेजिटेशन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर इज पुअर, तो ज़मीन पे इतना नहीं उगता है। बट सम प्लांट्स लाइक लीन स्क्रिप्स ऑलमोस्ट नियर बाय ट्रीज टू गेट एक्सप्लॉयड टू सनलाइट, कुछ प्लांट्स को सनलाइट मिलता है वहाँ पे अच्छे से उगते हैं क्योंकि वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं बच्चे, एकदम लंबे लंबे होते हैं तो क्या होता है सब ऊपर ही सनलाइट रहता है, नीचे नहीं आ पाते, ठीक है। सम फॉरेस्ट ट्रीज हैविंग बटर रूट्स, उसका रूट्स ऐसा होता है टू प्रोटेक्ट स्ट्रीमली बिकॉज देयर मेन रूट्स आर नॉट वेरी डीप, कुछ प्लांट्स के रूट्स के साथ एकदम नाजुक होते हैं, एकदम ऊपर होते हैं तो उनको बचाने की ज़रूरत पड़ती है। देखो मेन रूट्स आर वेरी नॉट वेरी डीप, ठीक है, एकदम गहराई में नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल दिया ये प्लांट का। अभी देखो एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एनिमल्स शो देयर फॉलोइंग एडॉप्शन फीचर्स, एनिमल्स के बारे में ये कौन सा है, ये हम एवरग्रीन फॉरेस्ट का देख रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, तो वहाँ का देख रहे हैं। अभी देखो एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एनिमल्स शो देयर फॉलोइंग एडॉप्शन फीचर बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स देयर इज ऑलवेज द वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स है ना, तो मैनी एनिमल्स हैव एडॉप्टेड बाय लर्निंग टू ईट पर्टिकुलर फूड विच इज ईटन बाई नो अदर एनिमल, तो लोग ने खुद को इस तरह से ढाल लिया है कि वो लोग ऐसे खाने खाते कि कोई और वो नहीं खाता हो, जैसे कि लेपर्ड है वो सब है ना, हैव स्टॉप टू देयर बॉडीज विच मेक इज डिफ़िकल्ट फॉर देयर पेरिज टू ईट सी देम, तो वो लोग ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स, लेपर्ड को आपने देखा होगा कि उनके बॉडी पे ऐसे स्पोर्ट्स है कि उनके शिकार करने वाले मतलब वो जिनका शिकार करते वो आसानी से उन्हें देख नहीं पाते हैं। मंकी हैव स्ट्रांग आर्म्स, मंकी की और मंकी आपको पता है ना मंकी उनके पैर और हाथ एकदम स्ट्रांग होते हैं, तो वो लोग ट्रीज पे आसानी से एक ट्री से दूसरे ट्री पे क्लाइंब कर सकते हैं, एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस पे स्विंग करके जा सकते हैं, है ना। तो मंकीज हैव स्ट्रांग आर्म्स एंड लेग्स टू क्लाइंब ट्रीज एंड स्विंग फ्रॉम वन ब्रांचेस टू अनदर टू ब्रांचेस, दे यूज देयर लॉन्ग टेल टू कूल अराउंड द ब्रांचेस, तो देखो वो अपने अपने बड़ी बड़ी पूंछ भी यूज करते हैं कि वो ऐसे झूल के एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस तक जा सके। द स्टोल एक्सटेंड कॉन्फ्लिक्ट द एबिलिटी टू सर्टन एनिमल टू ब्लेंड देयर सराउंडिंग, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं और अपने दुश्मनों से बचते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इस चैप्टर में हमने कितने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, किस तरह से उन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से खुद को उस सिचुएशन के हिसाब से फेस करना सीख लिया है ना। फिर हमने बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, जैसे कि अबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है बच्चों, बायोटिक लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं उसमें और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं, ये पढ़ा। फिर कौन से प्लेस में कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना बच्चों,
हमने ये सब भी देखा, बायोटिक और अबायोटिक का डिफरेंस देखा, कौन से एनिमल पाए जाते वो भी देखा। तो बायोटिक में क्या देखा था कि उसमें लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट है वो सब थे, ह्यूमन बींग थे। और अबायोटिक में क्या थे, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि जैसे कि हमारे हो गए पानी, रिवर हो गया, लेक, ये सब है ना। तो अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग और बायोटिक में लिविंग थिंग। और बहुत सारी चीज़ें देखी हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे हम कंफर्टेबली रह सके है ना, उसके एटमॉस्फेयर में हम खुद को अडॉप्ट कर सके, ठीक है बच्चों, ढाल सके। तो ये इस चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, होप है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।